नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद्यालय ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं केश पांडे, भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, संस्थान के द्वारा, रवि सर के द्वारा, संस्थान के द्वारा यह बतलाया गया था कि अभी क्लासेस आपकी लगातार पोस्टपोन रहेंगी। लगभग 10 दिन का छुट्टी था, उसी बीच में सभी के क्लासेस जा रहे हैं। उसी कड़ी में क्वेश्चन का एक सेगमेंट आपके सामने लेकर के आया हूं। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भविष्य में होने वाले हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज अर्थव्यवस्था का पहला कड़ी है, इसी के साथ हम दूसरे कड़ी में भी मिलेंगे। आज अर्थव्यवस्था के पहले सेगमेंट के साथ आप सभी के साथ हम लोग रूबरू होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला सेगमेंट। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, नरसिंहम समिति का संबंध है, नरसिंहम समिति का संबंध है किससे है? आंसर देने की कोशिश करें सभी लोग, आंसर देने की कोशिश करें। नरसिंहम समिति का संबंध है, देखिए दोस्तों, इसका संबंध बैंकिंग सुधार से है, बैंकिंग सुधार से है। देखिए, 1991 के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बाद से, जैसे एलपीजी की नीति आई, उसके बाद से कई सारे कार्य हुए, उसमें आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों में नरसिंहम समिति के द्वारा बैंकिंग सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के बहुत अच्छे प्रोग्राम लाए गए, जो संबंधित था किससे? बैंकिंग क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक होते हैं उसके, बताएं किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं, शेयर धारक होते हैं, लेनदार होते हैं, देनदार होते हैं, निदेशक होते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रायः क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। डिबेंचर धारक, एक्चुअली डिबेंचर का मतलब एक होता है ऋण पत्र, क्या होता है? ऋण पत्र, ऋण पत्र, ऋण पत्र का मतलब क्या होता है? जैसे यह कंपनियों का नॉर्मल पब्लिक से क्या होता है, कर्ज के रूप में पैसा लेना, और यह दीर्घकालीन ऋण होता है। क्या होता है दोस्तों? कंपनी द्वारा लिया जाने वाला ऋण किससे? साधारण व्यक्तियों से, वही, और ये चूंकि लॉन्ग टर्म में होता है, ये कहा जाता है लेनदार, यह कहा जाता है लेनदार, यानी किसी कंपनी के डिबेंचर धारक क्या होते हैं? लेनदार, यानी कर्जदार, यानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? कटे फटे पुराने करेंसी नोट से, सोना चांदी सराफा से, सरकारी प्रतिभूतियों से, निगम ऋण पत्र से, क्या होता है? इसका आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, गिल्ट एज्ड जो बाजार होती है, एक्चुअली ये जैसे कम जोखिम वाले ऋण पत्र होते हैं, कम जोखिम वाले ऋण पत्र होते हैं, कम जोखिम वाले प्रतिभूतियां होती हैं, ठीक है, कम जोखिम वाले प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां क्या होती हैं? प्रतिभूतियां हर वो चीज जिसका कागज पर कुछ कीमत हो, कुछ वैल्यू हो, सिक्योरिटी कहलाती है, प्रतिभूति कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा? गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? यह सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित होता है। बस इसके साथ एक चीज याद रखिएगा, यह कम जोखिम वाली प्रतिभूतियां होती हैं। क्या होती हैं? कम जोखिम वाली प्रतिभूतियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है किससे? इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड में, बैंक में बचत खाता में, बैंक में चालू खाता में, किससे संबंधित होता है? देखिए, स्मार्ट मनी का मतलब यहां पर इससे है कि क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड क्या है? ये एक प्लास्टिक मनी है। स्मार्ट मनी को यहां पर प्लास्टिक मनी भी कहा गया है। क्या दोस्तों? प्लास्टिक मनी भी कहा है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, ना तो निर्यात ना ही
आयात होता है, केवल निर्यात होता है, क्या होता है बंद अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार में हम बात करें तो कई प्रकार की अर्थव्यवस्था हम लोगों ने देखा, जैसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को हमने क्लास में देखा है, पढ़ा है। साथ ही साथ हमने दो तीन अर्थव्यवस्थाएं और अलग से देखी, जैसे कि साम्यवाद अर्थव्यवस्था क्या है। साम्यवाद समाजवाद का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था क्या है, जिसके लिए आपको पता है प्रोफेसर अमर सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है अर्थशास्त्र के जगत में। साथ ही साथ इसी के साथ बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें किसी देश के साथ किसी भी प्रकार का ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है। यानी उस देश में कोई भी व्यक्ति वहां जाकर के कोई रोजगार नहीं प्राप्त कर रहा है, या फिर उस देश से संबंधित व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर के किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी देश के द्वारा उस देश से किसी भी प्रकार की चीज ना तो खरीदी जा रही है ना तो बेची जा रही है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था। देखिए बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति जहां होती है वहां पर जीडीपी बराबर जीएनपी होती है हमेशा, जीडीपी बराबर जीएनपी। अब इसका संबंध इससे क्या है इस बात को समझिएगा। देखिए जीडीपी बराबर जीएनपी का अर्थ होता है, जीडीपी क्या होता है, हमारी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य ही क्या होता है, जीडीपी होता है। जीएनपी क्या होता है, हमारे नागरिकों के द्वारा पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसके द्वारा जो भी उसको मौद्रिक मूल्य मिलता है वह। यानी अब जीडीपी हमारी देश की सीमा के लोग ना बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जीएनपी हमारा शून्य ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम बाहर जा ही नहीं रहे तो जीडीपी बराबर जीएनपी दोनों होगा, यानी जीडीपी भी सेम होगा जीएनपी भी सेम होगा। जब हम किसी के साथ कोई व्यापार नहीं करते, कोई आयात निर्यात नहीं करते, हमारे देश के लोग कहीं जाकर के कोई रोजगार नहीं करते, किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं करते, तो बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति में जीडीपी बराबर जीएनपी होती है, याद रख लेना। चलिए यानी इसका आंसर क्या होगा, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1991 के पश्चात भारत में निर्यातों की वृद्धि में पर्याप्त वृद्धि हुई है, कारण? भारत सरकार ने अवमूल्यन का आश्रय लिया। निश्चित रूप से देखिए बात, ऑप्शन आपके सामने क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा आंसर होगा इसका बताएं, इसका आंसर बताएं, कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए 1991 के बाद से भारत में दो बार अवमूल्यन किया गया, ध्यान से समझिएगा, दो बार अवमूल्यन किया गया, इसके पश्चात निर्यातों की वृद्धि में पर्याप्त वृद्धि हुई। जब अवमूल्यन होता है, ध्यान से सुनिए, जब अवमूल्यन होता है तो देश से निर्यात बढ़ता है। क्या दोस्तों? देश से निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है। क्यों? मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मानक मुद्रा की तुलना में अपने मुद्रा के मूल्य को कम कर देते हैं। जब हमारे यहां के मुद्रा के मूल्य में कमी होगी तो विदेश से लोग निश्चित रूप से हमें जिन चीजों को वो दूसरे देश से महंगे दाम पे खरीदेंगे वो हमारे देश से सस्ते में पा करके लेके जाएंगे। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमारे यहां निर्यात बढ़ेगा लेकिन आयात घटेगा। आयात क्यों घटेगा? क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई भी खरीदारी या फिर कोई आयात निर्यात होता है तो ऐसी स्थिति में हमेशा डॉलर को ही ध्यान देकर के या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय मानक मुद्रा के ही माध्यम से बाजार में आयात किया जाता है। तो हम कोई भी चीज डॉलर में खरीदेंगे, अब डॉलर में खरीदेंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा आयात प्रभावित होगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि अब हमें जैसे पहले क्या था कि मान लीजिए 70 रुपया
डॉलर की तुलना में हम पेमेंट कर रहे हैं, और मान लीजिए फिर हमने अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, अब एक डॉलर की कीमत 85 रुपया हो गई, तो हमें जिस चीज के लिए पहले 70 रुपया खर्च करना पड़ रहा था अपने भारत के पैसे को, अब उसके लिए कितना 85 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो आयात प्रभावित होगा कि नहीं होगा, आप अपने से बता सकते हैं, निश्चित रूप से प्रभावित होगा। क्लियर है? चलिए इसका आंसर क्या होगा। 1991 में भारत निर्यातों में वृद्धि हुई, यानी जब अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हुआ भारत सरकार के द्वारा किया गया, तब भारत में, देखिए दोनों स्थितियां सही है, 1991 में भारत के मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ तो भारत का निर्यात बढ़ा, ठीक है, यानी ए और बी दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। देखिए मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा को अपना स्तर ढूंढने की अनुमति, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा वर्ल्ड बैंक की सहायता से मुद्रा का मूल्य में निर्धारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश करें। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। हमने अभी बात किया कि स्थिति क्या होती है, अवमूल्यन की स्थिति तभी लाई जाती है, जैसे हमारे यहां अवमूल्यन तब किया जाता है जैसे हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, और उत्पादन करने के बाद से हमारी वस्तुएं या सेवाएं बिक नहीं रही है, भारत देश से बाहर नहीं जा पा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम अपने मुद्रा के मूल्य को कम कर देते हैं। मुद्रा का मूल्य जब कम होगा, जैसे एक उदाहरण से इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए यही अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेन है, मान लीजिए ये 100 रुपए का है, अगर आपको कहा जाए कि इसका एक डॉलर बराबर सौ रुपया, ध्यान से सुनिएगा, $1 = 100 पहले, और आप इसका, आपने अपने मुद्रा का अवमूल्यन इतना कर दिया कि जो चीज आपको पहले 100 रुपए में मिलती थी, अब वह कितने में मिल रही है, 200 रुपए में। पूछो कैसे, ध्यान से समझना, 100 रुपया पहले था, अब चूंकि हमारे देश में कोई चीज बिक नहीं रही है, ठीक, कोई चीज बिक नहीं रही है, अगर हमने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया, पहले एक डॉलर की कीमत सौ रुपए थी, अब एक डॉलर की कीमत क्या हो गई, अब एक डॉलर की कीमत यहां पर 200 रुपए, अब यहां पर एक डॉलर की कीमत 200 रुपए। अब बताओ बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब डॉलर में हो रहा है, तो 100 रुपया में किसी को सामान ज्यादा मिलेगा या 200 रुपए में, ध्यान से सुनिए, 100 रुपया में किसी को सामान ज्यादा मिलेगा बाहर देश के लोगों को कि 200 रुपए, निश्चित रूप से 200 रुपए, लेकिन पेमेंट क्या करना पड़ रहा है, पहले भी एक करना पड़ता था, अभी भी एक, लेकिन अभी की स्थिति क्या है, इस एक डॉलर की कीमत 200 रुपए हो गई और इस एक डॉलर की कीमत 100 रुपए थी, हमने अवमूल्यन कर दिया, अब हमारे यहां से लोग जो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक पेन खरीदते थे, अब $1 पेमेंट करके 2 इलेक्ट्रॉनिक पेन खरीदेंगे, क्योंकि इसका मूल्य सौ रुपया है, अब $1 पेमेंट करने पर उसको 200 रुपए की चीजें मिलेंगी, तो हमारे यहां से निर्यात निश्चित रूप से बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा लेकिन आयात घटता है, मुद्रा अवमूल्यन यही स्थिति होती है। समझ में आया, यानी मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, अपने यहां के मूल्य में गिरावट, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि
आयात सस्ते हो जाते हैं एवं निर्यात महंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उल्टा प्रकृति होता है, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते, यही इसका आंसर होगा। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात क्या होते हैं? सस्ते। क्लियर है? चलिए, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का दो बार अवमूल्यन किया गया? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैंने पीछे लेक्चर में बोला, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैंने पहले वीडियो में इसका बोला भी हूं कि कब दो बार अवमूल्यन किया गया, इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है अप्रत्यक्ष कर, इस बात को हम पहले समझें। देखिए, अप्रत्यक्ष कर की जब हम बात करते हैं तो दो बातें हमारे दिमाग में जेहन में आती हैं। क्या क्या दो बातें हमारे दिमाग और जेहन में आती हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तब प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। दोनों बात को हम स्पष्टता समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष कर का मतलब वह कर होता है कि जिसके ऊपर आरोपित किया जा रहा है, यानी जिसके ऊपर लगाया जा रहा है, अंतिम रूप से अदायगी किसके द्वारा की जाएगी? उसी के द्वारा की जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कि जिसके ऊपर इंपोज किया जा रहा है उसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, अंतिम रूप से उसकी अदायगी की जा रही है। यानी किसी के ऊपर क्या, जिसके ऊपर लगाया गया, जिसके ऊपर कराघात किया गया और करापात भी किसी के उसी के द्वारा किया जाए। कराघात का अर्थ है कि फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ टैक्स, यानी किसी टैक्स का प्रारंभिक भार किसी के ऊपर लगे और करापात यानी किसी कर का अंतिम भार उसी के द्वारा, जिसके द्वारा दिया जाए करापात, यानी कि जिसके ऊपर करापात हो और कराघात भी हो, जिसके ऊपर लगे वही उसकी अदायगी करे, प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर जिसके ऊपर कर लगे लेकिन अदायगी किसी दूसरे के द्वारा किया जाए, यानी कर किसी के ऊपर लगे और कर की अदायगी किसी दूसरे के द्वारा किया जाए, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। देखिए, यानी किसी के ऊपर कराघात हो और करापात किसी दूसरे के द्वारा, करापात किसी दूसरे के द्वारा, और करापात यह दूसरे के द्वारा किसके द्वारा होता है? यह होता है उपभोक्ताओं के द्वारा। यही क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कर भार का मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? तो उपभोक्ताओं के द्वारा, जो इसका अंतिम उपभोग करता है। क्लियर है? चलिए, अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य है, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? देखिए, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो। हमने कहा कि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसके ऊपर कर लगे और कर की अदायगी किसी दूसरे के द्वारा किया जाए, यानी कर मेरे ऊपर लगे, कर की अदायगी आपके द्वारा किया जाए, किसी दूसरे के द्वारा किया जाए, यानी कर का ऐसा स्वरूप जिसको विवर्तित ना किया जा सके, जिसको किसी के ऊपर ट्रांसफर ना किया जा सके, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। यानी अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिसके ऊपर लगाया जाता है, उसके द्वारा दिया नहीं जाता है। तो यहां पर देखिए, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध नहीं होता है, यानी उपभोक्ता जो इसका उपभोग करता है वही इसका क्या करता है, वहन करता है अप्रत्यक्ष कर का। यानी जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है सरकार को उससे मतलब होता है, देने वाले से मतलब नहीं होता। यानी इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयकर यानी डायरेक्ट टैक्स, सीमा शुल्क, निगम कर, ये सभी के सभी केंद्र सरकार के लगभग डायरेक्ट टैक्स हैं। और भू राजस्व कर यानी जमीन पर जो लगान वाला कर लगता है वह किसके द्वारा लगाया जाता है? वह राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाने वाला कर है। किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकारों के द्वारा। क्लियर है? चलिए, प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर को अंतिम भार किस पर स्थित है? प्रत्यक्ष करों के मामले में
अदायगी दायित्व, इसका मतलब है देने का दायित्व और कर का, कर को अंतिम भार किस पर स्थित होता है, यानी जो देने की स्थिति है लगाया गया है और देने की स्थिति के बाद के बीच का संबंध पूछा जा रहा है यहां पर, क्या होगा उन दोनों पर जिन पर यह आरोपित किया गया है और जिन पर आरोपित नहीं किया गया है, वह व्यक्ति जिस पर यह आरोपित किया गया है या फिर वह व्यक्ति जिस पर यह आरोपित नहीं किया गया है, वह विभाग जो कर एकत्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करें सभी। देखिए प्रत्यक्ष कर के मामले में अदायगी दायित्व और कर के, कर को अंतिम भार किस पर स्थित होता है, ये दोस्तों एक्चुअली वह व्यक्ति जिस पर यह आरोपित किया जाता है। प्रत्यक्ष कर किस, जैसे आयकर को देख लीजिए, आयकर आपकी आय पर जो टैक्स लगता है वह आप ही के ऊपर लगता है और अंतिम रूप से अदायगी आप ही को करनी पड़ती है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ध्यान से देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी शुरुआत होने की तिथि यहां पर क्या है, 1 अप्रैल। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। देखिए टैक्सेशन राजकोषीय नीति का अंग है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखिए मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से इनको देख लो, देखो एक होता है मौद्रिक नीति। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, मौद्रिक नीति का निर्माण करता है आरबीआई। ठीक, दूसरा होता है राजकोषीय नीति, क्या राजकोषीय नीति, ठीक है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति में, राजकोषीय नीति का मतलब है फिस्कल पॉलिसी, मौद्रिक नीति का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, मूल रूप से 2 प्रकार की, कौन कौन सी, क्वांटिटेटिव मेथड और दूसरा क्या है क्वालिटेटिव मेथड। राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत मूलतः 3 बातें की गई हैं। पहला है करारोपण यानी टैक्सेशन, दूसरा है सार्वजनिक व्यय, तीसरा है सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, देखो यहां पर दोनों ही स्थितियों को देख लीजिए। इसमें क्वांटिटेटिव में बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, सभी चीजें इसके अंतर्गत। क्वालिटेटिव के अंतर्गत जैसे साख का नियंत्रित वितरण, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं। ठीक है, अब देखो राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं। राजकोषीय नीति के अंतर्गत 3 बातें, करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण। इसका आंसर क्या होगा, यहां पर कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं है, ब्याज दर। इसका आंसर यह होगा कि यह राजकोषीय नीति के अंतर्गत, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता, यानी ये और ये इसका आंसर है। चलिए सोलहवां क्वेश्चन है, पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। ध्यान से सुनिए, पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत की स्थिति क्या है अंतरराष्ट्रीय स्थिति में। तो भारत के पहले देख लीजिए क्या कौन कौन है, चीन है, दूसरा है अमेरिका है परचेजिंग पावर पैरिटी में, तीसरा कौन है, भारत है, तीसरा कौन है, भारत है।
ठीक है, यानी इसका स्थान क्या है, तीसरा। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे पर स्थान। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है, देखिए विजय केलकर समिति आप बता सकते हैं किससे संबंधित है, कर सुधारों से। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे है, गरीबी से संबंधित है, गरीबी के निर्धारण से संबंधित है जैसे। और लकड़ा वाला समिति, दोनों ही समितियां गरीबी के निर्धारण से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, बी और सी, बी और सी इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर यानी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, क्या दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षी अनुपात, क्या कहा जाता है, नगद आरक्षी अनुपात, क्या होता है नगद आरक्षी अनुपात, क्या होता है नगद आरक्षी अनुपात, इस बात को पहले समझिए। नगद आरक्षी अनुपात क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे देखिए एक शब्द होता है एनडीटीएल, एनडीटीएल, NDTL क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। देखो होता क्या है, इसे शुद्ध मांग समय देता हिंदी में कहते हैं, शुद्ध मांग समय देता होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी बैंक में 100 करोड़ रुपया मंथ में जमा हुआ, किसी बैंक में 100 करोड़ रुपया जमा हुआ और 20 करोड़ निकाल लिया गया, यानी निकासी कितनी की हुई, निकासी हुई 20 करोड़ की, बचा कितना अब इसमें 80 करोड़, यही क्या कहलाता है एनडीटीएल, शुद्ध मांग समय देयता, यानी बैंकों के पास जो जमा हुआ जो निकाला गया वह धन, यानी एनडीटीएल क्या है, शुद्ध मांग समय देयता। अब देखो इसका संबंध सीआरआर से कैसे है, CRR वह धन होता है, CRR वह धन होता है जो RBI सभी बैंकों को सलाह देती है, सभी वाणिज्यिक बैंकों को, सभी बैंकों को सलाह देता है कि आप अपने NDTL का, आप अपने NDTL का यहां पर कितना है 80 करोड़, जैसे आप अपने NDTL का कुछ परसेंट मेरे पास कैश के रूप में, कैसे दोस्तों, नगद के रूप में मेरे पास रखेंगे, किसके पास, RBI के पास। अब यहां पर समझना कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से सरकार के ऋण में कमी आ जाती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में आर्थिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश कम होता है, वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। देखो एक चीज होती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है अगर सीआरआर में वृद्धि कर दिया जाए, जैसे यहां पर देखो सीआरआर क्या है, आपको समझ में आ गया कि बैंकों का जो एनडीटीएल होता है आरबीआई उसे एनडीटीएल से कुछ परसेंट अपने पास रखती है, मांग कर कहती है कि यह मैं आपको निर्देश देता हूं। अब अगर इसमें वृद्धि हो जाए, जैसे मान लो 4% मान लो सीआरआर की दर है, मान लो सीआरआर की दर 4% है, अरे 80 करोड़ का कितना हो जाएगा, लगभग 3 करोड़ 20 लाख, 80 करोड़ का कितना हो जाएगा, 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख क्या होगा, कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अच्छा आप बताओ इस कैश में अगर वृद्धि कर दीजिए, इसकी दर में अगर वृद्धि कर दिया जाए, अगर इसको 6% कर दिया जाए, अब बताओ कितना हो गया, 4 करोड़ 80 लाख, 4 करोड़ 80 लाख। अब बताओ पहले 3 करोड़ 20 लाख था, अगर 6% कर दिया गया, 4 करोड़ 80 लाख रुपया बैंकों के पास जमा करना है, आरबीआई के पास रखना है, तो आप बताओ अर्थव्यवस्था में बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो बाजार में पैसा जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बाजार में पैसा प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वह है बैंक, और बैंकों के पास पैसा उसके एनडीटीएल का कहां चला जा रहा है, आरबीआई के पास, आरबीआई के पास किसी बैंक का एनडीटीएल अगर चला जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या, मौद्रिक तरलता में कमी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी हो जाएगी, यानी यही इसका आंसर है। क्लियर है,
दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? ये आसान क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? भूमि विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी OMO खुली बाजार की कार्यवाहियां के बारे में बात किया जा रहा है कि अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, ऋण देना, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? बड़े आसानी से आप लोग बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार की करवानी है यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? यह प्रतिभूतियों के माध्यम से बाजार में क्रय विक्रय करना, प्रतिभूतियों के माध्यम से बाजार में क्रय विक्रय करना यानी, और यह किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं, अल्पकालिक। किसी देश की गिनी गुणांक के एक मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। देखिए, यह बात तो पूरी तरह से गलत है, बताता हूं कैसे। देखिए, पहले तो आप यह समझिए कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट आरबीआई के द्वारा, चलिए इसको समझते हैं, ये आरबीआई है और ये बैंक है, और इनके द्वारा जो ये अल्पकाल के लिए ऋण लिया जाता है, इनके द्वारा जो अल्पकाल के लिए ऋण लिया जाता है, बैंकों को जो अल्पकाल के लिए ऋण लिया जाता है उसे कहते हैं रेपो रेट। जो बैंक अल्पकाल के लिए ऋण लेते हैं किससे? आरबीआई से, उसे कहते हैं रेपो रेट। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेपो दर ऐसी दर है जो अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं, अल्पकालिक। बात सही है, एक लाइन सही है। किसी देश की गिनी गुणांक के एक मान का अभिप्राय है। देखिए, गिनी गुणांक का अर्थ यह होता है, गिनी गुणांक बताता है आय की असमानता के बारे में। किसी देश में अधिकतम आय की असमानता तब होगी जब उसका मान अधिकतम एक होगा, यानी किसी देश की आय की असमानता में अधिकतम स्थिति कब होगी? किसी देश में आय की असमानता अधिकतम कितनी हो सकती है? तो एक होगी, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो शून्य हो सकती है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि आय पूर्णतः समान है, जबकि जब यह एक कहा है, अधिकतम मान एक होना चाहिए, तो यहां पर हम कहेंगे कि असमान है, असमान है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल एक। क्लियर है? चलिए, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अच्छा क्वेश्चन है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में मुद्रा स्फीति शामिल होती है? निश्चित रूप से शामिल होती है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में मुद्रा स्फीति का प्रभाव शामिल होता है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में मुद्रा स्फीति का प्रभाव शामिल होता नहीं, गलत है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में मुद्रा स्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता, स्थिर, यह भी सही है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एक आधार वर्ष पर, सही। यह तीनों सही है, यह गलत है। देखिए, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में मुद्रा स्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता। स्थिर कीमतों पर और चालू कीमत पर क्या अर्थ होता है? स्थिर कीमत ऐसा कीमत जो आधार वर्ष पर लिया जाता है, और आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बहुत कम उतार चढ़ाव हुआ रहे, और चालू वर्ष वह वर्ष होता है जो करंट चल रहा होता है। जैसे अभी चल रहा है 2021-22, तो अभी का अगर हम किसी चीज की कीमत की गणना करेंगे तो वह चालू वर्ष गिना जाएगा, लेकिन अगर हम स्थिर कीमत पर काउंट करने जाएंगे तो वह किसी आधार वर्ष पर काउंट करने जाएंगे। और आधार वर्ष पर काउंट कैसे होता है? जिस वर्ष वस्तुओं सेवाओं की कीमत बहुत कम उतार चढ़ाव हुआ। वर्तमान आधार वर्ष भारत में 2011-12 है, 2017-18 की कवायद चल रही है इसको बनाने की। चल,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। इसके बारे में कवायद चल रही है, अभी तक इस पर डिसीजन कोई आया नहीं है। चलिए, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दी गई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय, देखिए जब दोनों चीज समान हो रही है तो कॉमन सेंस है कि अपरिवर्तित होगा। जब दोनों ही चीजें एक साथ दुगनी हो जा रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वही होगा। यानी वास्तविक आय किसी भी प्रकार से किसी का प्रभावित नहीं होगा अगर कीमत और मौद्रिक आय दोनों एक साथ बढ़ेगी तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा, सेबी के द्वारा? इन तीनों के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। बहुत सुरक्षित घर में बैठिए, अगर जरूरत नहीं है तो कहीं भी निकलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए, आपसे बढ़कर आपके परिवार वालों के लिए कोई नहीं है, इसलिए बहुत बच बचा करके हमेशा बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग करिए। जैसे भी रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। लव यू ऑल, फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।